ये जो बैठे चश्मे में स्लाइड आया है अभी रिसेंटली, ये 100 मीटर का स्लाइड है, इसको क्लियर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बारिश भी हो रही है और शूटिंग स्टोन्स भी आ रहे हैं। अभी स्लाइड रिमूवल का काम भी शुरू नहीं हो पाया है कॉन्टीन्यूस पत्थर आने की वजह से। सुबह से हम लोग शूटिंग स्टोन्स को निकालने में लगे हुए थे और छोटी छोटी स्लाइड्स आई थी, जिसमें अनोखी फॉल में स्लाइड आई थी, टी टू में स्लाइड आई थी, वो सारी क्लियर है। लेकिन ये जो मेजर स्लाइड अभी आई है, इसको क्लियर करने में बहुत टाइम लग सकता है। इससे ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि वो फ़िलहाल नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करना अवॉइड करें, जैसे कि आज की एडवाइजरी है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद किया गया है, श्रीनगर टू जम्मू और जम्मू से श्रीनगर, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो फिलहाल कोई पैदल भी इसको क्लियर करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस समय ट्रैवल करना खराब मौसम में अवॉइड करें, और जब तक ये स्लाइड क्लियर नहीं होती है तब तक अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पे जंगल में खाने की पीने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने घरों में ही रहें और अवॉइड करें ट्रैवल करना फिलहाल नेशनल हाईवे पे, जब तक स्लाइड क्लियरेंस का वर्क कंप्लीट नहीं होता और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी नहीं आती।